आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BBMQ यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को मालूम होगा कि BBMQ ने न्यू एग्जाम पॉलिसी जारी किया है कि आपको किस भाषा में लिखना है, परीक्षा में नहीं लिखना है। तो ये पॉलिसी क्या वापस ली जाए, इससे संबंधित कुछ जानकारी आई है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे UE सेमेस्टर 3rd में, तो उनका देखिए रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर BBMQ के कुलपति का पुतला जलाने समिति के सदस्य पहुंच चुके हैं। धनबाद कार्यालय संवाददाता झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने रणधीर वर्मा चौक पर विनोद भारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति का क्या किया, पुतला दहन किया। समिति के जो संस्थापक है वो बैंगू ठाकुर ने कहा है कि BBMQ में देखिए बांग्ला और उर्दू की परीक्षा देने से उत्तर पुस्तिका जाँच नहीं की जाएगी, उसको अमल किया जाएगा। कुलपति का यह निर्णय भाषा विरोधी है, पुतला दहन कर इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुतला दहन के बाद अगर बंगला एवं उर्दू भाषा में वापस परीक्षा नहीं लेते हैं तो कोलांचल के साथ साथ पूरे झारखंड में क्या होगा, आंदोलन या घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर बंगला एवं उर्दू के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस विषय पर छात्र छात्राओं को लेकर झारखंड के राज्यपाल से इस विषय में अवगत कराएंगे। यह दोनों भाषियों के छात्र छात्राओं की संख्या VB में काफ़ी है। कार्यालय में कल्याण भट्टाचार्य, रघुनाथ राय, टनी बनर्जी, राणा चटर्जी और यहाँ पर कल्याण राय आदि यहाँ पर क्या थे, मौजूद थे, ये बताया गया। तो देखिए क्योंकि मोस्टली क्या है, बहुत से बच्चे बंगला में भी लिखते हैं, कुछ बच्चे उर्दू में भी लिखते हैं, और BBMQ ने कह दिया कि आप जितने भी बाकी विषय हिंदी, इंग्लिश और उर्दू और बंगला को छोड़ के, ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट है, बाकी सभी सब्जेक्ट लिखना है तो आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ के लिए देखिए यहाँ पर विरोध शुरू हो चुका है, जैसा कि बताया जा रहा था कि विरोध होगा और यहाँ पर विरोध है वो पूरी तरह स्टार्ट हो चुका है क्या। लेकिन अब यहाँ देखना है कि BBMQ क्या इसको वापस लेगा या फिर नहीं लेगा, क्योंकि देखिए मोस्टली जो है आप कह सकते हैं कि मेजोरिटी बहुत से बच्चे होते हैं वो बंगला और उर्दू भाषा में क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर, उनका क्वेश्चन पेपर भी आता है और वो लिखते हैं। लेकिन कॉलेज में कह सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में टीचर की संख्या अवेलेबल नहीं होने के कारण ऐसा BBMQ ने निर्णय लिया, क्योंकि झारखंड सरकार लगातार देखिए बहुत से वर्षों से टीचर की वैकेंसी निकली नहीं है, जिस कारण कॉलेज में टीचर नहीं है। तो आप ही सोच सकते हैं कि कॉलेज में टीचर कैसे चेक करेगा, ठीक है, इसीलिए BBMQ ने फैसला लिया। लेकिन उम्मीद है कि BBMQ जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ फैसला ले सकता है ताकि सभी बच्चों का समाधान आराम से निकल पाए, क्योंकि बच्चों को सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वहीं पर ज्यादा फोकस है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए जो भी बच्चे UE सेमेस्टर 3rd में, तो UE सेमेस्टर 3rd में देखिए जो भी बच्चे रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो देखिए UE सेमेस्टर 3rd का रिजल्ट अभी आपका कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन हुआ है, अभी प्रैक्टिकल कुछ बच्चों का खत्म हुआ है, तो प्रैक्टिकल सोच लीजिए। अब BBMQ को आप एक सेमेस्टर झेल चुके हैं, UE सेमेस्टर 2 आपका कुछ कह सकते हैं लगभग रिजल्ट आते हैं उसका 1 से 1.5 महीना लग गया, तो इतना जल्दी आएगा नहीं, ये भी 1 से 1.5 महीना खींचेगा। तो जो भी बच्चे घबराइए नहीं, 1 महीना इंतजार करिए, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, तब तक UE सेमेस्टर 4 की तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।